कानपुर देहात से है, जहां शोरूम में बाइक लेने जा रहे लोडर चालक के साथ एक अजीबोगरीब घटना हुई है, जहां दबंग अपराधियों ने लोडर चालक से चेक छीनकर खाते से 1,85,000 रुपए उड़ाए हैं। जानकारी के मुताबिक कार सवार आधा दर्जन दबंगों ने लोडर चालक का रास्ता रोककर तलाशी ली। साथ ही दबंगों ने लोडर चालक की जेब से चेकबुक निकालकर गन पॉइंट रखकर जबरन हस्ताक्षर कराए। वहीं पूरे मामले की लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित चालक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले को संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी ने जल्द कार्रवाई कर दबंग अपराधियों को जेल भेजने का पीड़ित को भरोसा दिलाया है। भैया क्या नाम है, कहाँ का रहने वाले हो? रहने वाले हूँ भाई, मेरा नाम है राम नरेश। अच्छा, आज एसपी ऑफिसर क्या मामला? ये मामला है कि कुछ दमंगी लोगों ने मेरी रास्ते लगा के, हम बाइक लेने जा रहे थे तो हमारी चेक थी मेरे पास, तो असलाई लगा के साइन करवा लिया और फिर वो चेक वो ले कर निकल गए। और हमने ये सोचा कि बाइक में पैसा जमा हुआ, मगर वो लोग चेक मेरी दूसरी अकाउंट में लगा के अपना पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाल लिया? 1,85,000। अच्छा, जो लोग पैसा निकाले कितने लोग थे, काहे से थे? वो लोग 4-5-6 लोग थे, वो लोग कार से हुए, कार से थे। अच्छा, कितने दबंगी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये अकबरपुर के रहने वाले हैं और दमंगी लोग हैं। अच्छा, यहाँ एसपी ऑफिस साहब किससे मुलाकात हुई आपकी? यहाँ पे तो सीओ साहब से बात हुई है। सीओ साहब ने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि इनको हम जांच करवा के जेल भिजवाएंगे और आपका पैसा वापस करवाएंगे। कैसे कैसे खबर चित्रकूट से, जहां राजकीय पद्धति विद्यालय से बच्चे के गायब होने का मामला सामने आया है। वहीं घटना की जानकारी पर प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र ने पहले हाजिरी भरवा कर और फिर अचानक ही कहीं चला गया, जिसकी सूचना छात्रा के माता पिता को फोन के माध्यम से दी गई। इसके बाद छात्र के माता पिता ने भी काफी खोजबीन की, लेकिन छात्र का कोई भी पता नहीं चल सका, जिसकी सूचना बारगढ़ थाने में और मऊ थाने में दी गई है, जिससे पुलिस द्वारा गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा बच्चा विद्यालय से पलटीहा विद्यालय से मेरा बच्चा सुनाए, मेरा बच्चा खो गया। कितनी कई तारीख की घटना है? 13 तारीख। कितने वर्षों से आपका बच्चा पढ़ रहा था उस विद्यालय में? 9 साल हो गए। तो क्या लगता है आपको कि कैसे गुम हुआ लड़का, कुछ जानकारी मिली अभी तक? कैसे कैसे बरजौलाओं से है, जहां दुकानदार के समय रहते पंखा मरम्मत करके ना देने पर ग्राहक ने दुकानदार के सिर पर उसी पंखे से वार कर दिया है और सिर में पंखा लगने से दुकानदार पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया। वहीं लहूलुहान हुए दुकानदार की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। जालौर जिले के कुठौन थाना क्षेत्र के मरादीपुर कस्बे का मामला बताया जा रहा है। आपका नाम? अरविंद कुमार सक्सेना। ग्राम? मदारीपुर। जी, आपके सर में चोट कैसे लगी? एकों का एक लड़का है मेरे पास, बराबर काम करवाने आता, वो उसका नाम ऋषि यादव, सन ऑफ रमेश यादव। उसने वो कल पंखा लेके आया था, मैंने उससे कहा था शाम को मिल जाएगा, वो दोपहर 2 बजे आ गया। मैंने कहा अभी नहीं बना, शाम के टाइम आना, बन जाएगा बेटा ले जाना। वो बस मेरे इतना उससे कहा, उसने वही स्ट्रीटर लेके मेरे सिर में मारा। मैं कुछ यही नहीं पाया, कोई बात ही मैंने नहीं की उससे इसके अलावा। और लास्ट में जान से मरने की धमकी दे दी है कि अगर तुमने यहाँ दुकान करोगे तो मुझे रह नहीं पाओगे, हम तुमको जान से मार देंगे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां तिलहर लिंग रोड पर एक युवक अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी दूसरी बाइक से आ रहे हमलावरों ने युवक पर गोली चला दी, जिससे युवक लहूलुहान होकर गिर गया। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो तिलहर पुलिस के सीओ ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आपको बता दें कि ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है।
शाहजहांपुर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने पत्नी को मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। खास बात यह है कि घटना को अंजाम देने के बाद युवक वहां से भागा नहीं, बल्कि करीब आधे घंटे बाद जब पुलिस आई तो पति ने खुद को तमंचा सहित पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। क्या हुआ, किसने गोली मार दी? मेरे घरवाले। क्यों मार दी? मैं पीहर जा रही थी। हैं? पीहर जा रही थी। अच्छा अच्छा। जब चार पाँच साल घूमी भैया मिल गए तो साल भर की धार था। नहीं, ये सुना कि तुम 6-7 महीने पहले किसी लड़के के साथ गई थी। अरे नहीं भैया। अच्छा। उस लड़के को पकड़ के दिखाता है। फिर जब तुम आई तो फिर क्या हुआ, इसने क्या करा? लड़के के लिए नहीं आई थी, पीहर जाने की थी। फिर क्या हुआ, इसने विवाद हुआ, फिर क्या करा इन्हें? भागे तो मंचा गोली मार कर। तुम्हारा मायका कहाँ है? गोंडा जिला। गोंडा जिला। मायके में कोई आया है? नहीं आया। अभी तो क्या पता, किसी पता लगा दी तुमने। कुछ भी करूँ तो इनका दूल्हा पैर पकड़ रहा था। अरे इसमें मान जा, मान जा, बहुत कुछ कुछ मैं कुछ नहीं कर रहा, तू कुछ कर आई नहीं कर आई। मैं तुझे बुलाने गई, तू नहीं आया। मैं तुझे एक दो रेपट मारी, वहाँ छोड़ आया, नहीं आई तू। अब आ गई, मेरे फोन पे कहने से आ गई। अब तू रहे, तुझे कोई बात दिक्कत हो तो मुझसे कर। फिर क्या हुआ? इसके हाथ में सारा पैसा तका सब कुछ इसके हाथ में है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अब इसमें किस तरीके से बात आगे बढ़ी, किस तरीके से नहीं, गोली किस बात पे निकली गई, इनने तो किसी से बताया नहीं। अंदर वाले रूम में अपने दोनों मियां बीवी थे और इनके छोटे छोटे दो बच्चे थे। बस उस बच्चों ने आके बताया कि मम्मी की गोली लग गई। तब आड़ पड़ोस वाले गए, तब हमें पता चला। गोली कहाँ पे लगी? गोली बता रहे हैं यहाँ पसली के पास में लगी हुई है। तो वो भाग गया या पकड़ गया? वो भागा नहीं, भागा नहीं। कह रहा मैं क्यों भागूं, इसकी गलती थी, ये मुझे मुजोरी कर रही है। मेरे बाप दादे कह रहे चप्पल मारूं, जूते मारूं। अच्छा ये बताओ, इसका मायका कहाँ है? इसका मायका बिहार में। बिहार में क्या हो? शाहजहांपुर से है, जहां एक युवक को दबंग परेशान कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने कुछ साल पहले जमीन खरीदी थी, उसका पेमेंट कर दिया था। वहीं पीड़ित का कहना है कि उन्होंने सारा पैसा विक्रेता को दे दिया था, साथ ही जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद विक्रेता ने उनसे दोबारा पैसे मांगना शुरू कर दिया है और जमीन विक्रेता के दोनों लड़के और पिता उन्हें धमकाने लगे हैं। साथ ही पीड़ित का कहना है कि उनके पास कोर्ट के कागज हैं, लेकिन पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने SP अशोक कुमार मीणा से अपनी फरियाद की न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम भैया आपका? रजनीश कुमार यादव। रजनीश जी। रजनीश। रजनीश नाम है। क्या 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 मामला है? मामला है, हमने कुछ जमीन खरीदी थी 2-3 साल पहले, उसकी दाखिल खारिज हो गई, सब कुछ हो गया, पैसा सब बेबाक हो गया। अब बोल कुछ लोग मिलके, हमारे भाई भी मिले हुए हैं और जिनकी जमीन है वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं दबंगई समझे। आप रहने वाले कहाँ के? अजीतपुर जगह रह रहा है। ये किधर थाना टोला चौकी। अच्छा, कौन मांग रहा 5 लाख रुपए आपसे? संजीव राम लड़ाई थे बल्दिया से। क्यों क्यों मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं कि अब 5 लाख रुपए दो, जबकि तो अभी तक जमीन का कोई भी विवाद नहीं था, सारा जमीन का जो है सब कुछ हो गया था, पीछे ऐसी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 साल पहले की बात है, कोई मैटर नहीं था। कितनी तो कितनी जमीन है? 3 बीघा जमीन हमने खरीदी थी, उसका सारा हिसाब किताब हो गया, सब पैसा दे दिया, अभी तक कोई बात नहीं थी। अब हमारे भाइयों से हमारी लड़ाई हो गई, फोन के साथ मिल गए। अच्छा, तभी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब बैनामा आपके पास है? बैनामा हमारे पास दाखिल कर दिया सब कुछ। क्या वो दबंग है? क्या दबंग गई? अच्छा, आप 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए हमें दो। हाँ, उस दिन 5 लाख रुपए दो, तभी जमीन हमको करने देंगे। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमें परेशान करती है। आप पुलिस पास गए थे? हाँ। आपको नहीं सुन रहे? हमारी पुलिस नहीं सुन रही है। फिर आपने क्या करा? फिर आपने? हमने आज कप्तान साहब को एक तो दी है। हाँ। दी। हाँ। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने लिखे दी, जांच कराते हैं। अच्छा, तो ये जो आपकी जमीन है झिंगनेरा में है? झिंगनेरा। और 3 साल पहले ये आपने खरीदी? हमने 2019 में खरीदी थी। खरीदी थी। अभी तक सारा दाखिल खारिज हो गया। हाँ। सब कुछ हो गया, हमने कुछ चेक दिए थे तो इन्हें मुकदमा डाल दिया,
चेक हमने पेमेंट देने के बाद भी मुकदमा डाल दिया, फिर इन्हें हमें आदेश करा के रख दिया। चेक दिया तो वो तो मुकदमा क्यों डाल दिया? जैसे चेक इन्हें तुरंत लगा दिया, बाउंस हो गया। अच्छा, वो पैसा हमने दे दिया, इन्हें हमें ये आदेश करा के दे दिया कि हमारा सारा पैसा मिल गया है। ये इसमें साफ साफ कोर्ट लिखा कि सारा पैसा हमारा मिल गया। हाँ। कुछ पैसे के लेन देन था, हमारा हिसाब किताब हो गया, अब हम ये मुकदमा चलाना नहीं चाहिए। तो अब आपको जो परेशान कर रहे हैं? अब परेशान कर रहे हैं, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ। 5 लाख रुपए देव हमारे आ रहे हैं, उस दिन हमें थाने बुला लिया और हमसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। किसने साइन करवाया आपसे? इन संजीव वगैरह थाने में। हाँ, एक कागज 5 लाख रुपए।